आज हमारे सीजी का 10वां दिन है, चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो ध्वजदंड की आपको लंबाई बताना है कि ध्वजदंड की कितना लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो एक मीनार है, तो सबसे पहले एक मीनार बना लिए, तो ये आपका हो गया एक मीनार, इसका नाम देते हैं ए भी, कुछ भी नाम दे दीजिए, तो यहाँ पर ए भी एक मीनार हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक मीनार पर ध्वजदंड है, ध्वजदंड ध्वज मतलब होता है झंडा, ध्वज मतलब क्या होता है झंडा होता है, दंड मतलब कि जैसे मान लीजिए कि यह जो है दंड है, इसमें हम ध्वज लगाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ध्वजदंड कहते हैं, तो ये आपका दंड है, दंड मतलब ऐसे छड़ी होता है। ठीक है, तो ध्वजदंड खड़ा है, इस पर एक हम ध्वजदंड खड़ा कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि आपका हो गया ध्वजदंड, इसका नाम लेते हैं। ठीक है, ये ध्वजदंड है, मान लीजिए कि झंडा लगा रहेगा। ठीक है, झंडा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ ऐसा यहाँ नहीं दिया, यहाँ सिर्फ दिया हुआ कि ध्वजदंड खड़ा है, खड़ा कर दिए। अब आगे क्वेश्चन आपको दिया है, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, तो जमीन है, तो मान लीजिए कि जमीन हम बना लेते हैं, जमीन लो कि आपको क्षैतिज सतह बना लेना है, तो क्षैतिज सतह हो गया। तो कह रहा है कि मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, तो 10 मीटर दूर आपका यह दायां भी हो सकता है, 10 मीटर दूर आपका बायां भी हो सकता है, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में कहा हुआ नहीं है। तो मान लीजिए कि हम दायां 10 मीटर ले लिए, 10 मीटर दूर हम गए, तो मान लीजिए कि हम पहुंच गए कहां पर, डी पर। तो क्वेश्चन दिया कि 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वजदंड, तो ये आपका ए बी क्या है, यहाँ पर मीनार है और ध्वजदंड आपका क्या है सी ए, क्या है सी ए आपका क्या है ध्वजदंड। तो यहाँ पर लिखा है कि मीनार और ध्वजदंड, मतलब पहले मीनार बना रहा है, उसके बाद क्या बना रहा है ध्वजदंड। तो मीनार कितना बना रहा है, तो मीनार बना रहा है 45 डिग्री, तो मीनार आपका ये है, तो यहाँ से इसका कोण बना दीजिए कितना 45 डिग्री। ओके, ये आपका हो गया 45 डिग्री, मीनार है तो मीनार से बना दीजिए कितना 45 डिग्री बना दीजिए। ठीक है, आगे आपको दिया है ध्वजदंड, तो ध्वजदंड आपका क्या है सी ए, तो ये कितना बना रहा है, तो ध्वजदंड बाद में है, तो बाद वाला कोण यहाँ पर कितना है 15 डिग्री, तो ये आपका बना रहा है 15 डिग्री, तो ये यहाँ भी इतना बन रहा है, आपका क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो गया। ठीक है, हो गया पूरा। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको निकालना है ध्वजदंड की लंबाई, तो ध्वजदंड आपका क्या है सी ए, मतलब आपको निकालना क्या है सी ए निकालना है। फिर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक आपका बन रहा है ए बी डी और एक बन रहा है एक बन रहा है सी बी डी। पहले ए बी डी में लेते हैं, फिर आप लीजिएगा सी बी डी में। यहाँ कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं आप, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कि ए बी आपका क्या है, तो ए बी मीनार तथा ए सी आपका क्या है ध्वजदंड। ठीक है, ए बी मीनार और एसी आपका क्या है ध्वजदंड, हम लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हमको निकालना है क्या, सी ए तरफ का निकालना है, मतलब इस कोण के लिए जो आपका सी ए हो या ए बी हो, या मान लीजिए पूरा सी बी आपका क्या होगा लंब होगा, और एक आपको आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम टेन ही लेंगे, लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए में कितना डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर 45, लिखेंगे टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, और फॉर्मूला इसका होता है पी बटा बी का रेशियो आपका टेन कहलाता है, ए बी यहाँ पर हो जाएगा और बी डी इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, टेन 45 डिग्री एक होता है, ए बी आपको पता नहीं है तो ए बी रहने दीजिए, बी डी आपको कितना पता है 10, तो यहाँ पर हो गया 10, तो इस तरह से आपका क्या आ गया ए बी बराबर 10 मीटर, मतलब ए बी का लंबाई कितना आ गया 10 मीटर आ गया। ठीक है, जब ए बी आ गया, अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज सी बी डी में, बड़ा वाला आपका बन रहा है वहां पर, लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज सी बी डी में, ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज सी बी डी में कितना कोण बन रहा है सी बी डी, ये दोनों कोण को यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आपका 45 हो जाएगा, कितना है 15, तो टोटल जो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेन, टेन बढ़ाते हैं 45 डिग्री लिख देते हैं, तो लिख देते हैं 15 डिग्री। ठीक है ना, बराबर पी बटा बी का ही रेशियो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बटे बी, बी आपका पूरा क्या हो जाएगा तो सी से लेके बी तक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सी बी, और बी आपका क्या हो जाएगा तो बी डी हो जाएगा, तो सी बी अपॉन क्या लिख दिए बी डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर सी बी कितना है, तो सी बी यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग यहाँ पर क्या है सी ए और एक भाग यहाँ पर क्या है ए बी, जिसको हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी और बी डी, तो बी डी आपको कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है रूट अंडर 3, सी ए सी ए आपको पता नहीं है तो सी ए ही आने दीजिए, प्लस ए बी आपको कितना यहाँ पर आया है 10, तो यहाँ पर हम लिख दिए 10,
और यहाँ पर कितना है बटे में 10, यहाँ पे हो गया 10। क्रॉस अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए में 10, सी ए प्लस 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए प्लस में हो जाएगा 10, और 10 में रूट अंडर 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 रूट अंडर 3। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, सी ए बराबर 10 रूट अंडर 3, और यह 10 प्लस में जाएगा तो क्या हो गया माइनस में, लिख सकते हैं सी ए बराबर 10 गुने रूट 3 का वैल्यू कितना लेते हैं 1.73 ले लीजिए, 2 भी ले सकते हैं, 7 3 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें क्या कर दिए 10, तो सी ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17.3 माइनस हो जाएगा 10। इस तरह से सी ए आपका आ जाएगा 7.3, क्या हो जाएगा मीटर, मीटर है तो मीटर रहता, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर होता। तो सी ए आपका यहाँ पर क्या था, ध्वजन, ध्वजन आपको निकालना था, ध्वजन आपको आ गया। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या लैंग्वेज थोड़ा, अतः ध्वज दंड की लंबाई, लंबाई भी लिख सकते हैं ऊंचाई भी लिख सकते हैं, लंबाई सी ए बराबर 7.3 मीटर, यह आपका हो गया ध्वज दंड का लंबाई। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, एक मनुष्य एक घर के क्या है बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पार्ट के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए, यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। खिड़की का लंबाई की खिड़की कितना लंबा है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो लिखा हुआ मनुष्य है, मनुष्य मतलब आदमी है, ठीक ना, हो सकता है कि औरत भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, ठीक ना। तो एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, तो हम बना लेते हैं एक घर। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया घर, नाम इसका दीजिए पी। ठीक है, ये आपका हो गया एक घर। एक आदमी जो है खड़ा है, मनुष्य खड़ा है, तो मान लीजिए कि एक मनुष्य हो गया यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, दोनों एक ही आधार पर खड़ा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ज्वाइन कर लिए, और आदमी का नाम यहाँ पर दीजिए एम एम, मैंने खड़ा है आदमी, ठीक है खड़ा है। अब क्या उसने खिड़की पर देखा, तो खिड़की यहाँ पर है, तो मान लीजिए कि यहाँ से हम बनाते हैं इसका खिड़की, बेसिकली मान लीजिए कि इस तरह का ये खिड़की बना हुआ, थोड़ा सा ऊपर ही बनाते हैं क्योंकि खिड़की बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये खिड़की का हो गया ऊपर वाला पार्ट, हो गया खिड़की का हो गया नीचे वाला पार्ट, इसमें इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कि दो पार्ट में बटा हुआ, ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया खिड़की, क्या हो गया खिड़की हो गया। तो ये हो गया खिड़की का आधार, आधार जिसको हम पाद कहते हैं, और ये आपका हो गया छोटी छोटी मतलब शीर्ष हो गया वाला भाग, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि खिड़की की चोटी, तो ये हो गया खिड़की की चोटी, तो खिड़की की चोटी से जो इसका कोण है, ठीक है, और फिर क्या आप कर रहा है खिड़की की चोटी तथा पाद, पाद मतलब क्या हो गया आधार, तो ये खिड़की का पाद हो गया, ये खिड़की का क्या हो गया चोटी हो गया। तो यहाँ से जिसका कोण है, दोनों यहाँ से कोण बना रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो गया ऊपर में बन रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कि ये आपका बन रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने क्या कहते हैं कि इसका जो है कोण जो बन रहा है इसके नेत्र पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्षैतिज रेखा, क्षैतिज यहाँ पर हम क्या कि ये क्षैतिज रेखा खींच दिए, ठीक है, क्योंकि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या किए कि ये खींच दिए क्षैतिज रेखा, ठीक है, फिर एन क्यू के समानांतर, ठीक है ना, इसका हम नाम दे दिए क्या, मान लीजिए कि नाम इसका हम दे दिए के, दे दीजिए एन के नाम दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एम के यहाँ एन क्यू के समानांतर में यहाँ पर क्या किए, एम के एक समानांतर एक हम क्या खींचे क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, क्योंकि आपका कोण जब भी बनेगा तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनेगा। यहाँ पर तो हमारे पास दृष्टि रेखा था लेकिन क्षैतिज रेखा नहीं था, तो हम यहाँ पर एम के क्या खींचे, खींच लिए। जब यहाँ पर हम खींच लिए तो अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि पूरा दिया हुआ आपको कितना, ये दिया हुआ है आपका जो है चोटी से बन रहा है कितना 60, तो चोटी से ये बन रहा है, तो मतलब ये पूरा गुण यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और पाद से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो ये नीचे वाला ये होता है, तो ये आपका बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री, मतलब वो अगर हम बात करेंगे तो आपका पूरा जो अगर पी एम के की अगर बात करेंगे तो पूरा कोण कितना होगा 60 होगा। यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम लेते हैं, इसका नाम लेते हैं क्या एल दे दीजिए, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे एल एम के का, तो ये आपका कितना है 45 डिग्री, ऐसा नहीं कि ओवरऑल आप पूरा समझ लीजिए कि 105 डिग्री, 105 डिग्री नहीं है, ओवरऑल पूरा जो यहाँ पर ये कोण बन रहा है कितना है 60 डिग्री है, जिसमें से यहाँ 45 और ये आपका कितना होगा 15, ये पूरा आपका 60 है और ये आपका कितना है 45, ठीक है ना,
ऊपर वाला अगर निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 60 लिखा हुआ तो आप समझिए कि ये 60 हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या है आगे कि आदमी जो है 5 फुट का है, तो ये आदमी है तो ये हो गया 5 फुट का, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि वह जो आदमी है घर से 10 फुट की दूरी पर है, यह घर है और यह आदमी, इसके बीच का दूरी कितना है 10 फुट, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है, आपको निकालना है खिड़की की लंबाई, मतलब ये खिड़की आपका, मतलब आपको पीएल निकालना है। क्या निकालना है? पीएल। समझ में आ गया कि आपको निकालना क्या है, तो पीएल आपको निकालना है, पीएल ही आपका क्या है, खिड़की है, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एम के क्यू एन ये आपका क्या है, एक आयत है, तो आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर, तो ये 10 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 10 फुट हो जाएगा, और ये 5 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 फुट हो जाएगा, ओके। चलिए तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपको सिर्फ निकालना है खिड़की, ठीक है, तो ज्यादा आपको सोचना है नहीं, खिड़की आपका यहीं पर है, तो हम यहाँ पर 2 समकोण भी लेंगे, यहाँ पर आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एक समकोण भी आपका यहाँ पर क्या है पी के एम, और एक आपका हो जाएगा एल के एम, तो दोनों त्रिभुज मिलेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई यहाँ पर वर्क है नहीं, इसके हिसाब से जो हमको लेना था वो लिए 10 फुट है, तो ये 10 फुट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये 5 फुट ये लिखना भी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर इसका कोई विलय नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या यहाँ पर, माना कि पी क्यू आपका क्या है, माना कि पी क्यू मकान है, ये घर है, माना कि पी क्यू आपका घर है, जिसमें जिसमें मतलब कि घर में, ठीक है ना, जिसमें पी एल आपका क्या है खिड़की, जिसमें पी एल खिड़की है, ओके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज पी के एम में लिखते हैं, पहले आप छोटा ही लिखिए, पहले आप लिख सकते हैं एल के एम में, तो लिखते हैं क्या समकोण त्रिभुज एल के एम में, समकोण त्रिभुज एल के एम में, एल के जी नहीं एल के एम, ठीक है ना, एल के एम, तो एल के एम में यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है ना, इसके सामने का ये हो जाएगा आपका लंब और ये आपका हो जाएगा आधार, तो टेन लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 10 45 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बटे बी, पी मैंने आपका हो जाएगा यहाँ पर एल के और नीचे आपका हो जाएगा एम के, ठीक है। 10 45 आपका एक हो जाएगा, एल के आपको दिया हुआ नहीं तो एल के ही रहने दीजिए, एम के आपको दिया हुआ 10, तो इस तरह से एल के आपको कितना आ जाएगा 10 फुट आ गया, फुट है, फुट हो गया, मीटर है तो मीटर होता है, ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज पी के एम में, लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज पी के एम में, पी के एम में, तो पी के में पूरा यहाँ पर कोण कितना बन रहा है तो 60 डिग्री, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर पी, तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से पी से लेके के तक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी के और नीचे आपका क्या हो जाएगा के एम, पी के आपका हो गया अपन क्या हो गया के एम, 10 60 डिग्री आपका होता है √3, पी के आपको दो भाग में यहाँ पर बटा हुआ है पी एल प्लस में ए लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं पी एल प्लस में लिख सकते हैं एल के, और के एम आपको कितना है तो के एम आपको है 10 फुट के यहाँ पर हो गया था, ठीक है। तो आगे इसको अगर हम सोल्व करेंगे 10 में √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 √3, यहाँ पर पी एल प्लस क्या है एल के, तो यहाँ पर हो गया पी एल प्लस में हो गया एल के, आगे लिख सकते हैं क्या 10 √3, पी एल आपको दिया हुआ नहीं है तो पी एल ही रहने दीजिए क्योंकि पी एल तो आपको निकालना ही है, और एल के आपको यहाँ पर कितना है 10, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 √3 ये इधर आएगा तो माइनस में 10 हो गया बराबर में क्या हो गया पी एल, तो यहाँ से हम करेंगे तो 10 हो जाएगा गुणे 1.73 माइनस में क्या हो गया 10 हो गया पी एल, तो जब 10 में 1.73 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17.3 माइनस में 10 बराबर हो गया आपका पी एल, तो इस तरह से घट किया जाएगा 7.3 बराबर हो गया पी एल, तो इसलिए आपका पी एल कितना हो गया तो आपका हो गया 7.3 फुट था तो 80 फुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लैंग्वेज, अतः खिड़की की लंबाई पी एल बराबर 7.3, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मिलते 7.3 तो आपको यहाँ पर 7.3, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है दो गुरुद्वार है, ऊपर जो रास्ता वहाँ पर क्या है खड़ा है कि बीच की दूरी 60 मीटर है,
और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है, मतलब कि अगर 10 मीटर लंबा होगा दूसरा कितना होगा 20 मीटर होगा, या मानी एक केस अगर 5 मीटर दूसरा कितना होगा 10 मीटर होगा, मतलब दुगना है, ठीक है ना। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है, उनकी ऊंचाई निकालें। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, तो ये आपका हो गया क्षैतिज तल, क्या हो गया क्षैतिज तल हो गया, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो एक स्तंभ मान लीजिए कि ये है, एक ये, ठीक है ना, इस तरह से बनाया कि एक आपको लगे कि एक दुगना है, मान लीजिए कि अगर 5 दे लग रहा है कि 10 है, ठीक है ना, मतलब दुगना लंबाई का, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं ये ए बी हो गया, ये आपका हो गया सी डी हो गया, ठीक है। अब यह है कि एक दूसरे का क्या है, दुगना है, तो मान लीजिए कि ये एक से तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 60 मीटर, दो ज्यादा स्तंभों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 60 मीटर, तो ये बीच का दूरी यहाँ पर क्या है 20, तो हो गया 60 मीटर, ओके। आगे दिया हुआ एक ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई की दूनी है, लिख दिया कि एक को मान लिए x, तो ये आपका हो गया 2x, इसको अगर आप y मान देते आपका क्या होता है 2y हो जाता है, नहीं मान के बना सकते हैं, ठीक है, कि ए भी बराबर क्या लिखेंगे 2ab बराबर लिखेंगे dc, तो उससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे ये x मान लीजिए ज्यादा आसानी से बन जाएगा। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर लिखा हुआ है उनकी जड़ों को, मतलब ये ab जो है, ab आपका क्या है, ab आपका क्या है स्तंभ है, तो इसका जड़ यहाँ पर क्या है b है, उसी तरह से यहाँ पर dc आपका क्या है स्तंभ है, इसका जड़ यहाँ पर क्या है c, जड़ मतलब क्या है कि उसका आधार, ठीक है ना। तो यह इसका जड़ है, जड़ को मिलाने वाली रेखा यहाँ पर क्या है bc है, क्या है bc। तो लिखा हुआ है कि उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मतलब क्या है कि बीच का बिंदु, मध्य मतलब क्या होता है बीच, बीच का बिंदु, तो मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण, मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण, तो इनके शिखरे का उन्नयन कोण बनाइए, एक हो गया, और यहाँ से कोण बना दिए, इसका नाम देते हैं मान लीजिए कि आपका पूरा 60 मीटर, इसका नाम दे दिए एम, कह दिए एम, तो एम यहाँ पर क्या है मध्य बिंदु हो गया बीसी का, मतलब इन दोनों के जड़ों को मिलाने वाला रेखा यहाँ पर क्या हो गया बीसी हो गया, जिसका मध्य बिंदु यहाँ पर क्या हो गया एम हो गया। अब यहाँ एम से एक का यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा डी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्नयन कोण जो है क्या है एक दूसरे के पूरक है, पूरक मतलब क्या कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ए एम बी, और यहाँ पर जो बन रहा है सी एम डी, दोनों को जोड़ के क्या होगा 90 डिग्री होगा, उसी को हम क्या कहते हैं पूरक कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं अनुपूरक कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं कोटि पूरक कहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं दिया कि ये 30 है कि ये 60 है, ये 45 है, 45 ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। अगर मान लीजिए इसको अगर मानते हैं थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कहीं पर थीटा कहीं पर 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको ये दिया हुआ नहीं कि कौन आपका थीटा है कौन आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, कौन आपका कितना है आपको दिया हुआ नहीं है, तो किसी को यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लिए, ये आपका पूरा भी हो गया, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री होगा। तो आगे आपको निकालना है कि उनकी ऊंचाई निकाले, तो उनकी ऊंचाई निकाले, उनकी मतलब यहाँ पर क्या है, उनकी मतलब कि दोनों आपका क्या है दोनों स्तंभ के बारे में करना है, ठीक है ना। तो आपको मतलब डीसी निकालना है, क्या निकालना है एबी निकालना है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपका बीसी का यह जो एम है मध्य बिंदु है, तो पूरा अगर मान लीजिए कि 60 मीटर है, तो ये कितना होगा 30 मीटर, और ये भी कितना होगा 30 मीटर होगा, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है यहाँ पर क्या ए बी एम, और एक बन रहा है सी ए डी सी एम, ठीक है ना। तो पहले हम लेते हैं ए बी एम, उसके बाद हम चलेंगे डी सी एम, ठीक है। जब हम लिखते हैं पहले क्या माना कि ए बी तथा डी सी, ए बी तथा डी सी दो स्तंभ है, दो स्तंभ है, ठीक है। चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एम में, समकोण त्रिभुज ए बी एम ए, ए बी एम ए, तो ए बी एम यहाँ पर क्या कोण है थीटा, इसके सामने का ये क्या हो जाएगा लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार, टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे पी बटा बी, पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, और बी आपका क्या हो जाएगा बी एम, लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर ए बी आपका क्या है एक से, बी एम आपका क्या है तो बी एम आपका है 30, तो ये आपका हो गया समीकरण एक, ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज डी सी एम में, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर क्या समकोण त्रिभुज डी सी एम में, तो डी सी एम में यहाँ पर कोण क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार, लिखेंगे यहाँ पर क्या टेन लेते हैं, लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा
बराबर यहाँ पर पी क्या हो जाएगा तो डी सी, और बी आपका क्या हो जाएगा तो बी आपका हो जाएगा सी एम, ठीक है। टेन नब्बे डी माइनस सीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर हो गया कॉट थीटा बराबर डी सी आपका कितना है तो डी सी आपका है टू एक्स, और सी एम आपका कितना है तीस, तो यहाँ पर हो गया तीस। अब ये कॉट थीटा का वैल्यू अगर टू एक्स बटा तीस है तो टेन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या टेन थीटा बराबर तीस बटा दो एक्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कॉट जो होता है टेन का क्या होता है उल्टा होता है, तो तीस बटा क्या हो जाएगा टू एक्स, आपका हो गया समीकरण दो। ओके अब यहाँ पर हम देखेंगे टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है एक्स बटा तीस, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है तीस बटा दो एक्स, तो दोनों टेन थीटा का वैल्यू है तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो दोनों का एवरेज है तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं कि आर जी इसका क्या होगा बराबर होगा। तो आर जी इसको अगर हम बराबर करें तो लिखेंगे यहाँ पर क्या समीकरण एक तथा दो से, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक समीकरण एक जो है वहाँ पर क्या है एक्स बटा तीस है, और इसके आर जी जो है आपका क्या है तीस बटा दो एक्स है, अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे गुना करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तीस गुना यहाँ पर हो जाएगा तीस, ठीक है। दो से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पंद्रह, लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर बराबर पंद्रह गुने तीस, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बराबर रूट अंडर पंद्रह गुने आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स बराबर इसका अगर हम भाज्य गुणनखंड करेंगे तो पंद्रह को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तीन पचे पंद्रह, और तीस को लिख सकते हैं तीन पचे पंद्रह दोना तीस, मतलब पंद्रह को यहाँ पर किए तो क्या हो गया तीन पचे पंद्रह, और तीस को तो तीन पचे पंद्रह पंद्रह दो नहीं तीस, तो एक बराबर यहाँ पर दो तीन है तो एक तीन बाहर हो जाएगा, ठीक है। दो तीन है तो एक तीन हो गया, दो पाँच है तो एक पाँच बाहर हो गया, रूट अब चला गया, तो इस तरह से एक्स का वैल्यू क्या आ गया पंद्रह रूट अंडर दो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया पंद्रह रूट अंडर दो मीटर, फिर एक्स आ गया तो यहाँ पर एक्स आ गया मतलब कि एक आपको क्या आ गया एक आपको स्तंभ का लंबाई आ गया, तो हम क्या लिखेंगे अतः स्तंभ की लंबाई कह लीजिए ऊंचाई कह लीजिए लंबाई, तो पहला स्तंभ को क्या माने ए बी, तो ए बी आपका क्या था एक्स, तो एक्स का आ गया आपका पंद्रह रूट अंडर दो मीटर, और दूसरा आपका क्या है डी सी, तो डी सी वाला यहाँ पर क्या था टू एक्स, तो आपका हो जाएगा दो गुने पंद्रह रूट अंडर दो, तो आपका हो जाएगा तीस रूट अंडर दो मीटर, तो इस तरह से दोनों स्तंभ का क्या आ गया लंबाई आ गया। आप चाहे तो रूट दो का वैल्यू यहाँ पर एक दशमलव चार एक चार वैल्यू रख सकते हैं, तो उसे भी आपका डेसिमल में आ जाएगा, ऐसे इतना भी आपका क्या है सही, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। डाउट सेशन का एक क्वेश्चन है करा रहे हैं, क्वेश्चन आपका है चौदह का तीसरा नंबर, जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हुआ है तो उसको हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है, डिस्कस करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भूमि पर एक बिंदु P से, तो हमें भूमि बना लेते हैं, तो भूमि मतलब आपका हो गया क्षेत्र, ठीक है ना, एक बिंदु P है तो कहीं पर एक बिंदु P ले लीजिए, तो मान लीजिए कि हम बिंदु के लिए P, ठीक है। P से 10 मीटर ऊंची एक भवन की चोटी, 10 मीटर ऊंची एक भवन मतलब एक भवन है, तो यहाँ से हम क्या किए कि 10 मीटर ऊंचा एक हम बना दिए भवन, ये हो गया भवन, हो गया भवन, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंची एक भवन की चोटी, ये हो गया भवन का चोटी, क्या हो गया भवन का चोटी, इसका हम बना लेते हैं यहाँ पर क्यों, भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर, एक क्या है हेलीकॉप्टर, जो भवन की कुछ भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर गए, भवन की चोटी के ठीक कुछ कुछ ऊंचाई पर, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर जो है मान लीजिए कि कुछ ऊंचाई है ना, यहाँ से ये क्या है यहाँ पर ये उड़ा, तो यहाँ इसके बीच में क्या होगा हवा होगा, इसके बीच में गैपिंग में क्या कर होगा, तो मान लीजिए कि इस जो ऊंचाई हम यहाँ पर डॉट डॉट से बनाए हैं ना, इसका नाम हम देते हैं एम, तो एम ऊंचाई पर मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर क्या है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, या मान लीजिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, ठीक है। तो भवन की चोटी, भवन की चोटी यहाँ पर क्या हो गया क्यू के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर, तो ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या मान ली हम यहाँ पर क्यू है, कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, मान लीजिए कि जा रहा है, ठीक है, तो कुछ ऊंचाई एम पर यहाँ पर क्या कर रहा है जा रहा है, के उन्नयन कोण क्रमशः, तो दोनों से यहाँ पर क्या बन रहा है उन्नयन कोण क्रमशः कितना बन रहा है तीस डिग्री और बन रहा है साठ डिग्री, ध्यान समझिएगा। पहले यहाँ पर क्या था, तो भवन की चोटी का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना तीस डिग्री, और चोटी के ठीक ऊपर जो ऊंचाई कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है आपका क्या हेलीकॉप्टर, उसका उन्नयन कोण यहाँ पर क्या है साठ डिग्री, तो यहाँ से हम क्या बनाते हैं उन्नयन कोण बनाते हैं, एक का यहाँ पर हो गया तीस डिग्री और एक का हो गया यहाँ पर क्या साठ डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिया हुआ कि तीस और साठ डिग्री है, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, भूमि से, तो भूमि आपका यहाँ पर क्या है पी, पी है क्या है पी है, तो भूमि से मतलब भूमि आपका पी है, तो पी से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो हेलीकॉप्टर आपका यहाँ पर क्या है एम है, मतलब पी से लेके एम तक आपको लंबाई क्या करना निकालना
समझ में आ गया, मतलब पीएम आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्यूपी आपको दिया हुआ है 10, अगर आप क्यूएम निकाल लेते हैं तो दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो आपको पूरा भूमि एक बिंदु से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या आ जाएगा, मालूम हो जाएगा, पता हो जाएगा। इसका नाम हम देते हैं यहाँ पर एन, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपको बन रहा है क्यूपीएन और एक आपको बन रहा है एम पी एन। तो सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज क्यूपीएन में, उससे पहले कुछ लैंग्वेज यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर क्या, माना कि, माना कि क्यूपी आपका क्या है, पी क्यू आपका है भवन, भवन ही दिया हुआ है, भवन तथा तथा पीएम भूमि से, पीएम भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है, ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज क्यूपीएम में, क्यूपीएन में समकोण त्रिभुज क्यू पी एन में, तो क्यूपीएन में यहाँ पे क्या है, तो कोण यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री, इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार, तो टेन ही लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेन 30 डिग्री बराबर पी बटे पी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्यूपी बटे में हो जाएगा पीएन, टेन 30 आपका हो गया 1/√3, क्यूपी आपको दिया हुआ 10, पीएन आपको दिया हुआ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पीएन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो ये आपको आ गया पीएन, क्या आ गया पीएन, आपको आ गया पीएन। आपको निकालना है समकोण त्रिभुज एम पी एन में, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एम पी एन में, समकोण त्रिभुज एम पी एन में पूरा कोण यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो पूरा कोण यहाँ पर दिया होता है कि 60 बन रहा है, क्या बन रहा है 60, यहाँ पर लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर यहाँ पर पी आपका क्या आ जाएगा, तो पी आपका हो जाएगा पूरे एम से लेके पी, तो हो जाएगा एम पी और नीचे आपका क्या आ जाएगा पी एन, 10 60 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा √3। एम पी आपको यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ, पहला भाग यहाँ पर क्या है QEM है, दूसरा भाग यहाँ पर क्या है QPN, और नीचे आपका क्या है PN, तो PN आपको पता है कि ना, PN आपको आ चुका है 10√3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10√3, क्रॉस गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या QEM प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा QP, मतलब QEM प्लस QP में एक से गुणा करेंगे तो आपका सेम रह जाएगा, और यहाँ पर 10√3 में √3 से करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 10 में 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 30। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं QEM, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया QM प्लस QP, QP मतलब PQ आपको कितना दिया हुआ 10, तो 10 हो गया बराबर क्या हो गया 30, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या QM बराबर 30 माइनस 10, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या आ गया, तो यहाँ पर आपको आ गया QM बराबर 20 मीटर, QM 20 मीटर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ QM देखिए यहाँ छोटा लग रहा है, तो पहले से पता नहीं था कि ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर QM आपका कितना आ गया 20 मीटर आ गया, और आपको यही QM ही निकलना, QM नहीं निकलना था, आपको निकलना था क्या भूमि से, क्या लिखा हुआ है भूमि से, तो भूमि आपका यहाँ पर क्या है पी, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो हेलीकॉप्टर आपका कहाँ पर है एम पर है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पीएम आपको निकालना था, तो लिखेंगे क्या अतः भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई आपका यहाँ पर क्या है पीएम, पीएम बराबर पीएम यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, पहला भाग आपका क्या है एम क्यू और दूसरा भाग यहाँ पर क्या है क्यू पी एम, एम क्यू आपको कितना आया है 20 आया है और क्यू पी आपको पहले से दिया हुआ था 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 मीटर, तो टोटल आपका कितना आ गया 30 मीटर आ गया, आंसर ही आपका हो गया, मतलब यह जो है 30 मीटर भूमि का जो बिंदु पी है पी से लेके हेलीकॉप्टर एम का यहाँ पर क्या है ऊंचाई, मतलब इतना ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्या कर रहा है उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए फिर कॉल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, धन्यवाद।